आज मैं रानी मां की स्मृति में जो म्यूजियम बना है तो रानी मां के बारे में जरूर बात करूंगा। रानी मां का जन्म मणिपुर राज्य के एक गांव के अंदर हुआ और रानी मां ने बचपन से ही 13 साल की उम्र में ही जदो नांग के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जुड़ गई और 26 से 27 के आसपास उनके 2 साल के जुड़ाव ने उनको अंग्रेजों के खिलाफ एक स्वतंत्र सेनानी बनने के लिए तैयार कर दिया। रानी मां ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जदो नांग की शहादत के बाद रानी मां के करिश्माई नेतृत्व में एक भीषण स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक जलियांग्रोंग विरोध जो हुआ उसका नेतृत्व भी रानी मां ने कहा और उन्होंने गौरव से कहा कि हम स्वतंत्र लोग हैं, गोरे लोग हम पर शासन नहीं करेंगे, हम सरकार को हाउस टैक्स नहीं देंगे, हम उन्हें अन्यायपूर्ण कार्य कानून जैसे जबरन मजदूरी और अनिवार्य पोर्टेज सब्सक्रिप्शन का पालन भी नहीं करेंगे। और एक छोटी सी उम्र की युवा लड़की पूर्वोत्तर की सुदूर पहाड़ियों में रहकर विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य को चैलेंज करती है, वो उनके आत्मीय ताकत का एक पर्चा था।